सिमडेगा में कई सालों से हाथियों के आतंक से जूझ रहे लोग और वन विभाग भी इनके आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधि ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। हाथी आए दिन घरों के साथ फसलों को भी नुकसान कर देते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सिमडेगा में चल रहा हाथियों का राज, हाथियों की उपस्थिति से एक ग्रामीण परेशान, घरों को तोड़ रहे हैं हाथी, फसलों को कर देते हैं बर्बाद, वन विभाग भी नहीं निकाल पा रहा समाधान, जनप्रतिनिधियों ने भी खड़े किए हाथ। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में गजराज का राज है। गजराज की उपस्थिति से एक ग्रामीण परेशान है। सिमडेगा के बोलबा, ठेठई, टांगर, बानो, जलडेगा और बांजोर प्रखंड पिछले 5 वर्षों से गजराज की तबाही झेल रहे हैं। गजराज गांव के अगल बगल रहते हैं और भोजन की तलाश में अक्सर गांवों में घुसकर ग्रामीणों के घरों को तोड़ते हैं तो कभी उनकी फसलों को बर्बाद करते हैं। विभाग हाथी तो बहुत पहले से है, हम तो यहां 2 साल से हैं सिमडेगा डिवीजन में, लेकिन इसके पूर्व से हाथी यहां रहा है, क्षति कर रहा है, लेकिन ठोस पहल की जहाँ तक बात है या सरकार तक विभाग तक इसके संबंध में रिपोर्ट भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक तो कोई ऊपर से पहल नहीं हो पा रहा है। लोग हाथियों के आतंक से परेशान है। दूसरी तरफ वन विभाग के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हाथी के मामले में लगभग चुप्पी साधे हुए हैं। जनप्रतिनिधि साफ लहजे में कहते हैं कि हाथियों का स्थायी समाधान किसी के पास नहीं है। निश्चित रूप से जब तक सरांडा जंगल था तब तक हाथी का एक व्यवस्था था, वहां रुकने का जगह था, लेकिन चूंकि सरांडा जंगल को उजाड़ने के बाद, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं शरण चाहिए और उनको एक रास्ता ये मिला और सिमडेगा जिला उसका आसान एक जंगल मिला वहाँ पर है, अब हम उसको अस्थाई रूप से समाप्त कर दे, हटा दे, ऐसा संभव न अभी सरकार के पास किसी तरह का न जनप्रतिनिधि के पास है। हाथियों के आतंक के आगे वन विभाग और जनप्रतिनिधि दोनों घुटने टेकने लगे हैं तो हाथियों से तबाह होते बेचारे ग्रामीण आखिर कहाँ जाएंगे? क्या जानमाल की क्षति के बाद मुआवजा दे देना ही ग्रामीणों के इस समस्या का समाधान है? न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट।